लेकिन ये सबसे ऊपर है अगर आप फिलहाल इंडियन मार्केट का देखोगे तो। हालांकि अभी हीरो और भी बहुत सारे बाइक्स पे काम कर रहा है। हेलो दोस्तों, ये है मेरे साथ में हीरो मैवरिक 440। हार्ले डेविडसन और हीरो ने कोलैब किया और इस कोलैब के बाद हमें दो बाइक देखने को मिली। पहली हार्ले डेविडसन X440 थी और उसके बाद हीरो ने भी सेम इंजन प्लेटफॉर्म के साथ में लॉन्च की मैवरिक 440। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका हेडलाइट टेस्ट। तो रात हो रखी है अच्छी खासी, इसको चलाने वाले हैं और आपको दिखाएंगे इसकी लाइट कैसी विजिबिलिटी आपको देती है, क्या कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो लाइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको ये एच शेप का DRL सेटअप देखने को मिलेगा। इसमें ऊपर की तरफ रिफ्लेक्टर दिया है जो लो बीम के लिए है और नीचे प्रोजेक्टर आपको मिलेगा हाई बीम के लिए। अब ये रात में कैसा दिखता है वो देखते हैं। बाकी इंडिकेटर्स वगैरह सब आपको LED मिलते हैं। हजार्ड का फंक्शन है तो चारों इंडिकेटर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। टेल सेक्शन में अगर आप आओगे तो यहाँ पर टेल लाइट में भी आपको वही एच शेप का डिज़ाइन नज़र आएगा और टेल इंडिकेटर में भी आपको वही LED इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं इस बाइक के अंदर। तो ओवरऑल जो पूरा लाइटिंग सेटअप है इस बाइक के साथ में हीरो ने वो कंप्लीट LED रखा है। अब ये कैसी रोशनी देता है वो चेक करेंगे हम। और मीटर कंसोल देखोगे तो फुल डिजिटल आपको देखने को मिलता है। मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है इस डिस्प्ले के अंदर। बाकी राइड करेंगे तब आपको बताएंगे क्या कुछ यहाँ पर आपको फीचर्स मिलते हैं और ओवरऑल ये बाइक चलने में कैसी है। तो अगर आप मैवरिक के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो जिससे कि मैवरिक पर आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। तो चलो बाइक को चलाने चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसका लाइट कैसा है। तो भाई बात करें अगर मैवरिक 440 की तो अभी फ़िलहाल ये हीरो का सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है। इसके नीचे करिश्मा XMR आती है और उसके बाद में बाकी बाइक्स हैं लेकिन ये सबसे ऊपर है अगर आप फ़िलहाल इंडियन मार्केट का देखोगे तो। हालांकि अभी हीरो और भी बहुत सारे बाइक्स पे काम कर रहा है, स्पेशली एक्सपल्स वगैरह जो हैं वो टेस्ट होती हुई नज़र आ रही हैं लेकिन अभी उनको आने में समय है। और हीरो मैवरिक 440 के साथ में जैसे मैंने पहले बताया हार्ले डेविडसन का एक नाम भी जुड़ा हुआ है क्योंकि दोनों ने कोलैब किया और एक इंजन और एक प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया। और प्लेटफॉर्म इंजन क्या पूरी बाइक जो है वो हीरो ने ही बनाई है हार्ले के लिए भी X440। हालांकि वो पहले आई, मैवरिक बाद में आई और दोनों ही बाइक्स के अंदर ना फीचर्स वगैरह में बहुत सारे डिफरेंसेस रखे गए हैं। जैसे कि सबसे पहले तो पूरा डिज़ाइन जो है वो अलग है दोनों का, मैवरिक का अलग है और हार्ले डेविडसन X440 का एकदम लुक और डिज़ाइन जो है वो अलग है, जो कि अच्छी चीज़ है। दोनों ही बाइकें जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आती हैं। उसके बाद में फ़ीचर्स वगैरह में भी डिफरेंस है, स्पेशली अगर लाइट की बात करोगे तो यहाँ पर आपको LED लाइट सेटअप देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर भी देखने को मिलेगा इसके हेडलाइट के अंदर। हार्ले डेविडसन के अंदर भी ऑल LED लाइटिंग सेटअप है लेकिन वहाँ पर प्रोजेक्टर नहीं है, वहाँ पर रिफ्लेक्टर बेस ही LED आपको देखने को मिलेगा। तो लाइट के अंदर इस तरह से कुछ डिफरेंस रखा गया है। वो प्रैक्टिकली कितना अलग दिखता है वो हम टेस्ट करेंगे आज के इस वीडियो में। उसके अलावा फ़ीचर्स में और भी डिफरेंस हैं, जैसे कि X440 में आपको USD सस्पेंशन मिलते हैं और उसमें आपको टॉर्क भी ज़्यादा मिलता है मैवरिक के कंपैरिजन में। मैवरिक के अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और इसका टॉर्क जो है वो 36 Nm है जबकि X440 में शायद से 37 या 38 Nm है, शायद से 38 है, तो 2 Nm जो है वो उसमें एक्स्ट्रा मिलता है। उसके अलावा ये बाइक जो है वेट में हल्की है, ये 191 kg के आसपास है और X440 इससे थोड़ी सी हैवी है, मतलब 1-2 किलो उसका वज़न ज़्यादा है। बॉडी वगैरह का भी फ़र्क है, यहाँ पे फाइबर का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा और X440 में आपको मेटल का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कुछ ये चीज़ें हैं दोनों ही मोटरसाइकिलों के अंदर जो कि एक बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट करती हैं। और ये बाइक चलने में कैसी है अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो जल्दी ही डिटेल रिव्यू वगैरह हम करेंगे, वो आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। और अब चलते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ लाइट ना हो और उसके बाद हम इसको टेस्ट करें कि इसका हेडलाइट का थ्रो कैसा आता है। और इस बाइक के बारे में और आप क्या जानना चाहते हो मुझे कॉमेंट में बता सकते हो। बाकी इंजन वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 440 cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन कंपनी ऑफर करती है। एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है जो कि ऑफर करता है 27 BHP की पावर और जो आपको यहाँ पर टॉर्क मिलता है वो 36 Nm का है। 6-speed का गियरबॉक्स आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। ऑन पेपर अगर आप देखोगे तो ये पावर परफॉर्मेंस पैकेज जो है वो कंप्लीट आपको काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। और इसकी माइलेज की बात करूँ तो 30-32 km/L के आसपास की माइलेज भी आपको यहाँ पर ये बाइक जो है वो दे सकती है। अब एक्चुअल में ये बाइक खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि इस मोटरसाइकिल को अगर आप हार्ले डेविडसन से कंपेयर करोगे सेम इंजन सेम प्लेटफॉर्म होने के बाद भी इसकी प्राइस काफ़ी कम है। ये 1,99,000 रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत में आपको मिल रही है जबकि
इसका जो टॉप मॉडल है वो भी 2,24,000 रुपये में आ जाता है एक शोरूम, और लगभग इतने प्राइस से हार्ले डेविडसन जो है वो शुरू होती है। तो प्राइस में अच्छा खासा गैप है, और कंपनी ने इसको 3 वेरिएंट में रखा है, बेस, मिड और टॉप। बेस मॉडल में आपको स्पोक व्हील मिलेगा, मिड में आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं, और टॉप में आपको मशीन कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। बाकी फीचर वगैरह के अंदर और कोई खास बड़ा डिफरेंस आपको दोनों बाइकों में नहीं मिलता। तो अभी चलते हैं अपनी लोकेशन पर और आपको दिखाते हैं इसकी लाइट। बाकी मैं आपको एक बार इसकी आवाज़ सुनवाता हूँ, आप मुझे बताना कैसी लग रही है आपको। तो ये 440 सीसी का इंजन काफ़ी बेस के साथ में आता है, मज़ा आता है इसकी आवाज़ को सुनकर बाइक को चलाते हुए। आपको कैसी लग रही है आवाज़, आप मुझे कमेंट में बताओ। तो अभी हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन पर और यहाँ पर प्रॉपर अंधेरा है, मैं आपको एक बार बाइक बंद करके दिखाता हूँ। तो देखो एकदम डार्क है और यहाँ अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, और अगर मैं लाइट ऑन करूँ, चाबी मैंने ऑन की है, तो फ़िलहाल आप देख सकते हो DRL पार्ट जो है वो ऑन हो गया है, और अभी मैं बाइक को करता हूँ स्टार्ट। ठीक है, तो लो बीम पर कुछ ये विजिबिलिटी आपको मिलेगी, और हाई बीम अगर आप चेक करो तो ये देखो हाई बीम, ये हाई बीम है, काफ़ी दूर तक आपको नज़र आएगा प्रोजेक्टर का थ्रू, और ये लो बीम है, हाई लो हाई लो। तो कुछ ये विजिबिलिटी जो है वो आपको मिलने वाली है X440 के साथ में। अगर यहाँ आप लाइट देखोगे तो आपको ये यहाँ पर रिफ्लेक्टर और प्रोजेक्टर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। एक बार फिर से मैं चाबी बंद करके दिखाता हूँ आपको। तो एच शेप का DRL है, और जैसे ही आप बाइक जो है वो स्टार्ट करोगे तो फिर आपको ये रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा लो बीम पर, और हाई बीम पर आपको मिलता है यहाँ पर प्रोजेक्टर। तो कैसी लग रही है आपको इसकी लाइट, ये देखो हाई बीम लो बीम, कैसी लग रही है लाइट मुझे कॉमेंट में बताओ। तो भाई कैसी लगी आपको हीरो मैवरिक 440 की लाइट, आप मुझे कमेंट में बताओ। और अगर मैं बात करूं पर्सनली मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा लाइट के साथ में, तो लो बीम में ये लाइट जो है वो काफ़ी वाइड कवर करती है। अगर आप बिल्कुल डार्क एरिया में जाते हो तब भी अच्छा खासा वाइड एरिया जो है वो इसकी हेडलाइट जो है वो कवर कर लेती है। और अगर मैं बात करूँ इसके हाई बीम की, जहाँ पर कि प्रोजेक्टर ऑन होता है, तो प्रोजेक्टर जो है वो काफ़ी दूर तक लाइट का थ्रो जो है वो आपको देता है, जिसके चलते आपको बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी मिलती है, और प्रोजेक्टर होने की वजह से इसकी लाइट जो है बहुत ज़्यादा फैलती नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, और दूर तक आपको अच्छा प्रोजेक्शन जो है वो मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर लाइट की बात करोगे तो आपको काफ़ी बढ़िया लाइट जो है वो इसके साथ में मिलती है, और डेली कम्यूट के हिसाब से या सिटी के हिसाब से अगर आप बाइक देख चला रहे हो तो वहाँ पर आपको अच्छी लाइट्स जो हैं वो मिलती हैं। बाकी जैसा मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ लाइट टेस्ट वाले में, कि अगर आप लॉन्ग राइड वगैरह जाओगे तो ऑब्वियसली आपको फॉग लाइट वगैरह जो है वो इंस्टॉल करा लेनी चाहिए, जिससे आपको बेटर विजिबिलिटी जो है वो मिले। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो करते हुए जो है वो फॉग लाइट वगैरह लगाना, बहुत सारे लोग हेडलाइट के पास ही फॉग लाइट जो है वो लगाते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो आप लोअर पार्ट में लगाओ, जिससे कि सामने से आने वाले व्यक्ति को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी विजिबिलिटी भी अच्छी बनी रहे। बाकी आप मुझे कमेंट में बताओ आपको हीरो मैवरिक 440 की हेडलाइट कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। ऐसे ही डिटेल न्यूज़ रिव्यूज़ कंपैरिजन वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।